हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट मिंका शादीजा। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। 2023 आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आए, आपकी हेल्थ अच्छी करे, आपकी वेल्थ अच्छी करे, आपकी सारी मनोकामना पूरी करे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो गाइस, हम बात करते हैं 2023 को जब हम टोटल करते हैं तो कौन सा नंबर आता है। तो जब हम 2 + 2 + 3 करेंगे तो 7 आता है। तो 7 जिस प्लैनेट का नाम नंबर है उसका नाम है केतु या नेपट्यून। ये प्लैनेट सूर्य से काफ़ी दूरी पे है। तो इस साल हम देखेंगे कि मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडी आएगी और गर्मी भी एज वेल एज उतनी ज़्यादा आएगी। ये सबसे लास्ट प्लैनेट है गाइस अपने सौर मंडल का। 2023 किन्हें लिखना चाहिए। तो गाइज, हम बात करने वाले हैं कि हमें 2023 लिखना है या 23 लिखना है। तो हम बात करने वाले हैं 2023 किसे लिखना है। 2023 उन्हें लिखना है जो ऑकल्ट साइंस में है या रिसर्च की फील्ड में है या अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं इस साल, तो उनके लिए बेनिफिशियल है कि वो 2023 लिखें। 23 किन्हें लिखना चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं 23 किन्हें लिखना है। 23 उन्हें लिखना है जिन्हें अपनी जॉब एक अच्छे लेवल पे लेके जानी है, जिन्हें जॉब चाहिए, या जो स्टूडेंट है उनको स्टडी में फोकस कराने के लिए, या जिनकी लाइफ में बैलेंसिंग की कमी है उन्हें 23 लिखना है, या जो अपनी जॉब में बहुत सारा प्रोग्रेस चाहते हैं, सैलरी इन्हांस करना चाहते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, तो उन्हें वहाँ पर 23 लिखना है। मेरे हिसाब से आप अगर एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में नहीं है, आप रिसर्च की फील्ड में नहीं हैं और आपको कोई बिजनेस भी स्टार्ट नहीं करना है, तो आपको 23 ही लिखना चाहिए। फॉर अच्छी, आपको बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देगा नंबर 23। नंबर 23 हमारे न्यूमरोलॉजी में बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है, यह आपको हर चीज़ में विजय करवाता है। तो गाइस, मेरी एडवाइस में आपको 23 ही लिखना चाहिए। मैं थोड़े ही दिन में पर्सनल ईयर प्रिडिक्शन पे वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर आपका पर्सनल ईयर 1 चल रहा है, 2 चल रहा है, 1 से लेके 9 तक में आपका क्या पर्सनल ईयर चल रहा है, आपके लिए साल कैसा जाएगा, आपको क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, उसके लिए मैं थोड़े ही दिन में वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो प्लीज़ तैयार रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि मैं यहाँ पर थोड़े ही दिनों में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रही हूँ जो 10 तारीख को है 7 बजे। ये फ्री न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में जानने मिलेंगी और आप अपने फैमिली से भी इसको रिलेट कर पाएंगे। आपको BN कैसे निकालना है, DN कैसे निकालना है, लूशो ग्रीड कैसे बनानी है, आपके मिसिंग नंबर क्या है, उसकी रेमेडीज़ क्या हैं, आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वर्कशॉप में मिलने वाली है। तो प्लीज़ हमारी वर्कशॉप को ज्वाइन करिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।